नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कैप्चर न्यूज़। स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मुंबई क्षेत्र के कलीना में स्थित सोसाइटी फॉर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, इस संस्था में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। मुंबई के कलीना में कोरोना महामारी के इस दौर को ध्यान में रखते हुए एक दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन की जिम्मेदारी 6 अलग संस्थाओं ने उठाई। इस रक्तदान शिविर के मुख्य कोऑर्डिनेटर रहे संजय नावंदे। इस रक्तदान शिविर में इन 6 संस्थाओं के साथ मेन कोऑर्डिनेटर रहे संजय नावंदे, जो इन 6 संस्थाओं के बीच कोऑर्डिनेट करके इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं भास्कर लिंगम। हम मौजूद है इस वक्त कलीना के शेड संस्था में, और हमारे साथ है राजेंद्र तावड़े सर, जो शेड संस्था के CEO है। और आज रविवार के दिन शेड संस्था में 6 अलग संस्थाओं ने मिलकर शेड संस्था के साथ में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। तो इस विषय में ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राजेंद्र तावड़े सर। तो हम उनसे जानेंगे कि कैसे इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और कैसे 6 संस्थाओं ने साथ में मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे सर, जो आज ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है यहाँ पर शेड? अभी 6 ऑर्गेनाइजेशन मिलके संजय नवंदे करके यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, यूथ कोऑर्डिनेटर है, उनके साथ यहाँ पे काम कर रहा है। कोरोना के जो महामारी स्टार्ट हुआ तभी से शेड यहाँ कम्युनिटी के हर प्रोग्राम में इन्वॉल्व है। शेड ने यहाँ कलीना में 6,000 फूड किट भी डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है। अभी तक आई थिंक 70 लोगों ने उसमें ब्लड डोनेशन किया है, और प्लाज्मा भी डोनेशन का भी काम यहाँ पे चालू है। हाँ, तो लोगों का ये इन्वॉल्वमेंट देख के मुझे लगता है कि आज समाज में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और मुंबई इसमें आगे है। थैंक यू। दैनिक कैप्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, आपने आज यहाँ पे आके इस इवेंट को कवर किया है। ये जो इवेंट है, ये आज ब्लड डोनेशन कैंप के हिसाब से कलीना में तमाम जितने ट्रस्ट है, NGOs है, इन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और करते रहेंगे। आज बोधिवृक्ष बुद्ध विहार सेवा समिति, सोसाइटी फॉर ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म शेड है, एडवोकेट सत्यनारायण सुकुर्मा राधेकृष्ण सेवा संस्थान, श्री अनिल उपाध्याय कलीना वेलफेयर एसोसिएशन, श्री अतुल सोनोने मी कलीना कर, श्री महेंद्र भा चव्हाण नालंदा प्रतिष्ठान, इनके संयुक्त साथ से बोधिवृक्ष बुद्ध विहार सेवा समिति के किशोर ढोके, और ख़ास तौर से सोसाइटी फॉर ह्यूमन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के शेड के CEO श्री राजेंद्र तावड़े साहब ने इस अपने ट्रस्ट की जगह देके इस कार्यक्रम को मूर्त रूप स्वीकार करने के लिए सबसे ज़्यादा मदद की है। हम ये चाहते हैं कि आज 4 महीने से जो कोरोना का संकट, जिस कोरोना की महामारी, जिस कोविड का जागतिक पेंडेमिक, ये सारे हमारे तमाम ज़िंदगी पे असर कर रहा है, इसके लिए हमने ये सोचा था कि यहाँ पे हम कुछ लोगों के लिए कर सहे, और कर इस प्रयत्न के अंदर में श्री संजय नवंदे इन्होंने ये सारे ट्रस्टों को समन्वयक की भूमिका में लाकर एक ये शानदार कार्यक्रम किया है। और आज के तारीख के अंदर में जो BMC के नोडल ऑफिसर है, उसी के साथ में जो BMC के डॉक्टर्स हैं, और साथ ही में कलीना के अंदर में स्थापित जितने भी डॉक्टर्स हैं जो बाहर से यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बुला के यहाँ पे जो कोविड योद्धा सम्मान पत्र का आयोजन किया है, तो हमने ये तौर पे किया है कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से एडमिट किया जाए, उनकी किस तरह से केयर किया जाए, कौन से हॉस्पिटल में किस तरह से उनको एडमिट किया जाए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स कौन से हैं, इसके लिए नोडल ऑफिसर के जो डॉक्टर माने और डॉक्टर भोसले हैं, इन्होंने मिस्टर संजय नवंदे, मिस्टर अतुल सोनो ने और इनके पूरे टीम को बहुत बढ़िया तरीके से मार्गदर्शन करके जो मदद की है वो काबिले तारीफ़ है।
आज जितने भी कोविड के पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं वो अभी हमको ये फ़ोन करके बता रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये हमारे एंजल्स हैं। एंजल्स का मतलब है कि ये देवदूत करके आए हैं, और आज अवेयरनेस के लिए जो भी हम करना चाहते हैं तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे लोगों के अंदर में एक विश्वास जगाया है कि कोरोना के लड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके की दवाएँ देनी चाहिए। और उस बलबूते के ऊपर में हमारे जितने भी ये 6 ट्रस्ट है, कोरोना योद्धा सम्मान पत्र, उसके साथ में ये जो पल्लवी ब्लड बैंक है, इन्होंने हमको सहयोग करके ये जो पल्लवी ब्लड बैंक है ये तकरीबन 29 हॉस्पिटल्स के साथ में एसोसिएट्स है, और इस एसोसिएशन के साथ में आज तकरीबन 100 लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप हमने आयोजित किया है। इसके अंदर में जो पुलिस फोर्स है, वाकोला पुलिस स्टेशन के सीनियर PI श्री कैलाश जी अवार्ड साहब और उनके रिप्रेजेंटेटिव श्री रोगो साहब, ये आके यहाँ पे उन्होंने ये हमारे जो कोरोना योद्धा थे जिन्होंने अपने जान इसके अंदर में शहीद की, उन सारों का हमने यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया। हमारे जितने भी साथी हैं और इसके भविष्य में जुड़ना चाहते हैं, हम उनसे ये अपील करते हैं, और जितने भी कलीनाकर हैं उनको हम ये राहत की सांस देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर में अगर हमको कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है और हमारी जो मानवता ये लोगों तक पहुंचाना है, तो यही एक कार्य है कि पहले श्रेष्ठ दान रक्तदान है। इसके साथ में हमारी मिलजुल कर की जो मैत्रीपूर्ण भावना हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं एक बार तहे दिल से आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और साथ ही में हमारी ये 6 के 6 जो ट्रस्ट है, हो सकता है भविष्य में हमारे साथ में कई और ट्रस्ट जुड़ जाए, और यही आशा के साथ में हम कोरोना को हराने के लिए एकजुट होकर हम साथ देंगे। जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ है संजय नावंद जी, जो 6 संस्थाओं को एक साथ लाकर आज रविवार के दिन यहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। संजय नावंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो जैसे 6 संस्थाओं को एक साथ लाकर आप जो मेन कोऑर्डिनेटर है इस रक्तदान शिविर का, और यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया है कोरोना महामारी के इस दौर में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज कोरोना के जो ब्लड डोनेशन कैंप हमने आज यहाँ पर लिया है, ब्लड डोनेशन कैंप लेने का कारण यह है कि आज जो कोरोना का फैलाव जो जोश में जो चालू है, इसके लिए हमने किधर ना किधर तो थोड़ा सा प्रिकॉशन के बाद और डॉक्टर लोग से कंसल्ट करके हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। ये ब्लड डोनेशन कैंप का मतलब ये है कि लोग जो पॉजिटिव पेशेंट हो रहे हैं, जो नॉन कोविड से रिलेटेड है, लोग डर रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट को नेग्लेक्ट करते हैं लोग समाज में, ऐसे लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म पर ला के 6 ऑर्गेनाइजेशन को ला के एक प्लेटफॉर्म पे लाके आज हम फुल फ्लैश में हमारी ऑर्गेनाइजेशन उतरी है हमारे वार्ड में। इस वार्ड में डेली हमने एक मेडिकल कैंप चलाया है, डेली जाके डेंगू मलेरिया लैपटॉप और बहुत सारी बीमारियां हैं उसके ऊपर मेडिसिन दवाई वगैरह हम फ्री लोगों की सेवा कर रहे हैं, और प्लस इसके अलावा हमने प्लाज्मा थेरेपी जो एक पेशेंट को उस प्लाज्मा 3 जन को डोनेट होता है, ऐसे हमने 40 लोगों को हमने यहाँ पे आज उनको ये किया है। तो जल्द से जल्द ये हमारे 40 प्लाज्मा जो देने वाले हैं ये सारे आज नायर हॉस्पिटल में और 2-3 जगह पे जाके इन लोग अपने डोनेट करने वाले हैं हमारे NGO के मार्फत से। तो आज जो 6 संस्था मिलके हम जो ये किए, हमारा फ्यूचर प्लान यही रहा कि हम हमारे वार्ड को कितना वार्ड और हमारा एरिया हम कोरोना से मुक्त होते हैं, इसके लिए हमारी टीम यहाँ पे उतरी है ग्राउंड लेवल पे और हम सब लोग इसमें जुटे हुए हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय नावंद जी, जो इस रक्तदान शिविर का मुख्य आयोजक है और मुख्य कोऑर्डिनेटर है। आकाश बलीज के साथ मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।